हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक एडवाइस। दोस्तों, अगर आप नीट 2021 के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी बन गए थे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने एक अनाउंसमेंट में बताया था कि नीट 2021 की डेट 12 सितंबर होने वाली है और इसी के साथ साथ उन्होंने नीट के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज भी किया था। लेकिन यदि आप अभी ट्यूटर खोलकर देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ चेंज दिखने वाला है। दोस्तों, अभी ट्विटर पर बहुत सारे नीट 2021 के कैंडिडेट मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को टैग करके और हैशटैग पोस्टपोन्ड नीट यूजी टेक अक्टूबर का यूज करके हमारे नीट 2021 को पोस्टपोन्ड करने की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे नीट 2021 के कैंडिडेट जो कि पोस्टपोन्ड की डिमांड कर रहे हैं, उनके सभी के अलग अलग विचार हैं। कुछ का कहना है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट और डॉक्टर, कोरोना की थर्ड वेव अगस्त से स्टार्ट होगी और उसकी पीक सितंबर में होने वाली है, तो इससे अच्छा है कि तब थर्ड वेव खत्म हो जाए यानी कि अक्टूबर में, तो उसके बाद ही नीट 2021 लिया जाए। और वहीं कुछ कैंडिडेट का कहना है कि नीट 2021 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में हमें केवल 2 महीने पहले ही बताया गया है, तो इससे अच्छा है कि नीट को पोस्टपोन्ड किया जाए और अक्टूबर में कंडक्ट किया जाए। दोस्तों, सभी की यहाँ पर राय अलग अलग है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए और आपको क्या लगता है कि नीट 2021 को पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ, नीट 2021 का एग्जाम मई में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। यदि हम इसको और ज़्यादा पोस्टपोन करते हैं तो डेफिनेटली जो कैंडिडेट नीट यूजी के थ्रू इस साल MBBS में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको MBBS में थोड़ी प्रॉब्लम तो आने ही वाली है, क्योंकि MBBS में उनको कम समय मिलेगा और डेफिनेटली उसने कम समय में वो कम सीख पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नीट 2021 को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें कोरोना की थर्ड वेव की, तो कोरोना की थर्ड वेव इतनी शक्तिशाली नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इम्यूनाइज हो चुके हैं, कुछ वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइज हुए और कुछ एक्चुअल एक्सपोजर के कारण इम्यूनाइज हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी कोरोना की थर्ड वेव इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करने वाली, तो हमें नीट यूजी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको 12 सितंबर पर ही रखना चाहिए। और बात करें नीट 2021 एस्पिरेंट की, तो बहुत सारे एस्पिरेंट पहले ही अपने इस 2 महीने का प्लान बना चुके हैं कि उनको कैसे तैयारी करनी है। तो अगर इस समय नीट यूजी को पोस्टपोन किया जाता है तो डेफिनेटली उनके प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीट 2021 को पोस्टपोन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड बिफोर एंडिंग वीडियो, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग अनअकैडमी फॉर यू गाइस। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अनअकैडमी पर 25 जुलाई सुबह 11 बजे नीट यूजी मेगा कॉम्बैक्ट 3 स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, जिसमें आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बस वहां पर आपको डॉक एडवाइस 10 कोड यूज करना है और आप इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज भी देखने को मिलेंगे। मेगा कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अनअकैडमी ने 11th, 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए अलग अलग सिलेबस जारी किया है और ये सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइज जीत सकते हैं। अनअकैडमी ने नीट 2021 के कैंडिडेट के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर भी निकाला है, जिसमें वो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल आपको 9,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप मेरा कोड डॉक एडवाइस 10 यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप नीट 2021 का फाइनल रिवीजन इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर अंतिम युद्ध बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ने रिसेंटली लिमिटेड एडिशन ऑफर भी निकाला है, जिसमें यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और इन सब्सक्रिप्शन में यदि आप डॉक एडवाइस 10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। और आप अनअकैडमी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यानी कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन EMI बेसिस पर भी ले सकते हैं, जिसमें यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन 12 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको पर मंथ 3,208 रुपीज पे करने होंगे।
अनअकैडमी 14 एंड 15 अगस्त को फोर्जी स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट करवाने वाली है और जिसमें यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 11 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आप अनअकैडमी पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो आप डेली आईपैड जीत सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड फॉर मोर वैल्यूएबल एंड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब फॉर डॉक एडवाइस। थैंक यू।